बाल संप्रेषण गृह हनुमानगढ़ से बाल अपराधी 6 फरार होने के अंदर कामयाब हो रहे हैं। बातचीत करें तो ये मामला पहली बार नहीं आया है, ऐसे मामले कई पहले भी देखने को मिले हैं और हनुमानगढ़ से भी देखने को मिले हैं, लेकिन इसमें बता दें कि खिड़की की ग्रिल तोड़ी गई, ग्रिल तोड़ने के बाद में वह बाल अपराधी वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और इनमें 6 की संख्या अभी लगभग सामने आती हुई नजर आई है। अब इसमें देखने की बात तो यह है कि जब वह फरार होते हैं तो खिड़की की ग्रिल तोड़ करके फरार होते हैं और सामने ही पुलिस का पूरा जाप्ता भी रहता है, लेकिन फिर भी किसी की भी नज़र इस पर नहीं पड़ रही है। किस प्रकार से वह भागने में कामयाब रहे हैं, क्या पुलिस ने उनके ऊपर अभी तक कोई त्वरित कार्रवाई को अंजाम दिया या फिर अभी उनके ऊपर क्या क्या मुकदमे दर्ज हैं, इन सभी की तमाम जानकारी हम आप सभी को सीधा हमारे इस रिपोर्ट से अवगत कराएंगे। तो फिलहाल नजर डालते हैं इस रिपोर्ट की ओर। बाल संप्रेषण गृह हनुमानगढ़ से आज सुबह 6 बाल आरोपी खिड़की का ग्रिल काट करके फरार हो चुके हैं। घटना की सूचना मिलने पर संप्रेषक गृह पहुंची और जंक्शन पुलिस के अनुसार फरार बाल अपचारियों में 4 हनुमानगढ़ जिले के हैं जबकि 1 भीलवाड़ा और 1 श्रीगंगानगर जिले का है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी 2 बार बाल संप्रेषण गृह से नाबालिग फरार हो चुके हैं और हैरानी की बात तो इसमें है कि बाल संप्रेषण गृह जिला पुलिस लाइन के साथ है और पहले दोनों ही बार बाल अपचारी पुलिस लाइन के अंदर से गए थे और इस बार भी ग्रिल काटने के बाद जिस तरफ सीढ़ी लगा करके वो फरार हुए हैं उस तरफ पुलिस लाइन ही है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।